हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बड़े बॉक्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, आप कैसे इससे बहुत अच्छा कपड़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। तो आज हम ये बड़े बॉक्स को बताएंगे कैसे यूज़ करना है। आपको ये बॉक्स को आधे से ज़्यादा कट कर लेना है, जिससे कि मैं दो ऑर्गेनाइज़र तैयार करूँगी यहाँ पर। और ये मैंने वॉलपेपर लिया है, इस वॉलपेपर को हम चिपका लेंगे। हाफ कट करने के बाद में इसको मैंने सामने से भी कट कर दिया है। देखिए, इस तरीके से मैंने दो कलर का यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है। और ये वॉलपेपर मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ था, जो हमारे घर में वॉलपेपर यूज़ होता है, ये वही वॉलपेपर है, जिसके पीसेस को भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको चिपका लूँगी। देखिए इस तरह से। चारों तरफ मैंने वॉलपेपर चिपका लिया है। अब ये मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ। इसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए मैंने इसके पीछे के पार्ट में और नीचे के पार्ट में एक एक बॉक्स का पीसेस और कट करके लगा दिया था। अब मिडिल में पार्टीशन भी देंगे हम कुछ इस तरीके से, उसको चिपका लेंगे ऐसे। और दो पीसेस लेकर के इसको इस तरीके से चिपका लेंगे हम। बॉक्स बन करके तैयार हो गया है पूरा। अब इसी तरीके से हम दूसरे बॉक्स को भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है पुराना गाउन, मेरे पास कॉटन का था, उसको कट करके मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और एक साड़ी भी मैंने कट की है, दो तरीके का कपड़ा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप इसको एक कलर में बना सकते हैं, लेकिन दो कलर में बनाने से थोड़ा अच्छा दिखता है, काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉटन की साड़ी यूज़ की है। साड़ी बदली थी इसलिए मैं इसकी दो लेयर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छे से इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेंगे। अब बाहर के पार्ट में मैं जो मैंने गाउन कट किया था, वो गाउन का कपड़ा मैं यहाँ पे सेट करके चिपका लूँगी।
ज़्यादा बड़े बॉक्स होते हैं अक्सर हम उनको फेंक देते हैं, तो उनको फेंकिए नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप फेंकेंगे नहीं, उसको अच्छे से यूज़ करेंगे। और लेडीज़ के पास तो घर में बहुत सारे कपड़े होते ही हैं कि रखने की जगह नहीं होती, उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये जो मैं बॉक्स यहाँ पे बना करके तैयार कर रही हूँ, बॉक्स से ऑर्गेनाइज़र बना करके, तो आप देखेंगे कितने अच्छे से इसमें कपड़े आपके एडजस्ट हो रहे हैं, कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आप खुद ही देखेंगे कितने कपड़े इसमें आ रहे हैं। मैंने अमेज़ॉन से जो ऑर्गेनाइज़र लिए थे वो बड़े वाले में मैं आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगी कि जो कपड़े मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, चार ऑर्गेनाइज़र के कपड़े वो एक में ही आ गए हैं। और हमारा जो स्पेस बच रहा था अलमीरा में जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो उससे हमारा क्या हो रहा है कि जो स्पेस भी है उसको हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं अलमीरा में। जो ख़राब जगह था जहाँ पे हम कुछ सामान भी नहीं रख पा रहे थे वो छोटे ऑर्गेनाइज़र की वजह से, तो ये काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होंगे उसी साइज़ के जो आपका अलमीरा का साइज है। आप उस हिसाब से भी कट कर सकते हैं बॉक्स को। अच्छा दिखने के लिए मैं यहाँ पे भी बीच में थोड़ा सा साड़ी का कपड़ा लगा रही हूँ, और साइडों में मैं जो मैंने गाउन कट किया था वो कपड़ा लगा रही हूँ, जिससे कि देखने में थोड़ा सा नया सा लुक आएगा, अच्छा लगेगा देखने में। बिना किसी खर्चे के घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से ही देखिए आप कितने अच्छे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। पुराने कपड़े हो जाते हैं अक्सर, आप उनको फेंक देते हैं तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या छोटे मोटे वॉलपेपर भी आपके घर में बच जाते हैं उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइज़र आप घर में ही बिना किसी महंगे खर्चे के आप तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपका खर्चा तो बचेगा ही और साथ ही साथ में इतने अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो जाएंगे कि आपके अलमारी भी अच्छे से सेट हो जाएगी, कपड़े भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर दिया नीचे का पार्ट। अब साइड में भी मैं थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए ये छोटे छोटे पार्ट जो मैंने कट किए थे वो लगा रही हूँ। ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे इसमें। बाहर से हम इतने महंगे ऑर्गेनाइजर लेते हैं और देखिए बॉक्सेस को ऐसे ही फेंक देते हैं, और कितने अच्छे से ऑर्गेनाइजर हमारे घर में ही तैयार हो गए, इतने बढ़िया देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े कैसे एडजस्ट करने हैं। यहाँ पे सारे मैं बॉटम अपने रख रही हूँ फ्रंट साइड में। कितने सारे देखिए बॉटम एक ही साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं ड्रेसेस रख रही हूँ अपनी। आजकल लेडीज़ का तो प्रॉब्लम रहता है ये कपड़ों को लेके कैसे एडजस्ट करें, तो आप इस तरीके से देख काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने आगे के साइड में भी ड्रेसेस रखी हैं, पीछे के साइड में, क्योंकि मेरे पास में बहुत ड्रेसेस हैं, कपड़ों का मुझे बहुत शौक है, तो मैं मेरी तो अलमारी में जगह ही कम पड़ जाती है, तो कुछ इस तरीके से मैं अपने कपड़ों को भी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, जिससे कि स्पेस भी बन जाता है। जो मैं कम पहनती हूँ अभी, जैसे कि समर है तो विंटर की टी शर्ट्स वगैरह हैं, वो मैं पीछे के साइड में रख रही हूँ। अब इसमें मैं अपनी साड़ियाँ रख रही हूँ। साड़ियों को भी मैंने अच्छे से सेट करके रखा है, उसी के अंदर पेटीकोट को भी फोल्ड कर दिया है। इस तरीके से रखने से हमारी साड़ियों की क्रीज भी ख़राब नहीं होती, और कितने अच्छे से साड़ियाँ सेट हो गई हैं। लगभग 15 साड़ियाँ मेरी इसके अंदर अच्छे से सेट हो चुकी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।